राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका राखी नेगी ब्लॉग में। मैं हूँ राखी नेगी। पालक पनीर और मैं गार्डन से क्या क्या ला चुकी हूँ। मैं लाई अदरक, हरी मिर्चे, लहसुन के पत्ते और धनिया। और पालक मैंने काट के तक डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी ये सब कुछ। इन सबको पहले मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद ग्राइंड करूँगी। तो मेरा पालक पनीर बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये सब कुछ तो मेरा घर का है, लेकिन पनीर मुझे मार्केट से लानी पड़ेगी। तो मैं इसको बॉईल करने रखती हूँ, फिर मैं पनीर लेकर आती हूँ। आप भी बनाकर देखिए, कभी पालक पनीर टेस्टी बनेगी, मैं आपको बताती हूँ आगे। दोस्तों मैंने कुकर में सब कुछ डाल दिया है। मैं इसमें लगाती हूँ दो सीटी और बॉईल करने के बाद मैं बॉईल ग्राइंड कर दूँगी अच्छी तरह मिक्सी में। तो दोस्तों मैंने कर दिया है सब कुछ ग्राइंड। बॉईल हो चुका था, मैंने ग्राइंड कर दिया है। एक तरफ मैंने पनीर काट के रख दी है और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल, फिर मैंने डाला प्याज और थोड़ा सा हींग डाला है। टमाटर मैंने कट कर दिए हैं। इसके बाद जब ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो दोस्तों मैंने डाल दिए टमाटर और मैंने मसाला भी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले से डाल दी थी, इसमें मिर्च कम डाली है। धनिया पाउडर डाल दिया है और हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा मैंने डाला गरम मसाला। तो अभी मेरा मसाला भुन रहा है, अच्छी तरह भुन जाएगा। जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसमें पालक नहीं डालूँगी। तो ये अच्छी तरह भुन रहा है अभी। तो देखिए दोस्तों, मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है, तेल ऊपर दिखने लग गया है। तो मैं एक मिनट बाद इसमें डालूँगी पालक जो मैंने ग्राइंड कर रखी है, मिक्स करके सब कुछ।
देखिए दोस्तों, मेरा पालक पनीर हो चुका है शानदार तरीके से तैयार। तो दोस्तों, ये पालक पनीर मैं लेके जा रही हूँ अपने देवर के घर। मैंने थोड़ा उनके लिए भी बनाया है, तो उनको देख के आती हूँ। हमारा ऐसे ही चलता है, जब वो कुछ ख़ास बनाते हैं तो मुझे देते हैं, जब मैं ख़ास कुछ बनाती हूँ तो मैं उनको देती हूँ। तो मैं उनको देने चलती हूँ उनके घर।